Hello students, welcome back in my maths class. Okay students, so let's start our activity. Today your activity is fill in the boxes as the tens and ones. आप देख रहे हैं मैंने यहाँ numbers लिखे हैं और box बनाए हुए हैं और ये मैंने यहाँ पर tens लिखा है और O for ones लिखा है. Okay, T for tens, O for ones. Okay. तो अब आपको क्या करना है, ये भी जो मैंने नंबर दिया है आपको लिखना है कि वंस प्लेस पे कौन कौन वंस प्लेस वाला नंबर कौन से बॉक्स में आएगा, टेंस प्लेस वाला नंबर कौन से बॉक्स में आएगा, आपको फाइंड करना है, दिमाग लगाना है. ओके, जैसे कि अब मैंने आपको ऑलरेडी प्लेस वैल्यू बताया हुआ है कि प्लेस वैल्यू हमेशा हमें वंस की साइड से शुरू करते हैं, तो आप लोग इजिली इसको फाइंड कर लेंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट द बोर्ड. लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज 16. ओके, तो 16 वंस प्लेस में कौन सा नंबर है, 6. तो आप वंस प्लेस के प्लेस में लिख देंगे 6. एंड टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1. तो आप यहां लिख देंगे 1. अब सेम चीज, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है यहाँ पे, 0. तो आपको इस बॉक्स में 0 लिखना है. एंड टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2. तो 2. ओके, ओ मीन्स बेटा वंस एंड टी मीन्स टेंस, और यहां मैंने 2 डिजिट लिए है, तो आपको फाइंड करना है कि मुझे वंस प्लेस पे कौन सा नंबर लिखना है और टेंस प्लेस पे मुझे कौन सा नंबर लिखना है. ओके, तो आपको ये बहुत ही केयरफुली देखना है कि आपको गलत नहीं हो जाए कि आपको वंस प्लेस में कौन सा नंबर है तो वही लिखेंगे. अगर ये नंबर आप यहां लिख देंगे और ये नंबर को यहां लिख देंगे, मींस 1 को वंस प्लेस में लिख देंगे, 3 को टेंस प्लेस में लिख देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो मैंने जैसे आपको प्लेस वैल्यू बताया कि वंस प्लेस से जब स्टार्ट करते हैं तो वंस वाली नंबर जो होता है वंस में आता है, टेंस वाला जो नंबर होता है वो टेंस प्लेस में आता है. ओके, सो लेट्स डू नेक्स्ट. हियर 13 एंड 13 वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, आप बताइए 13 में 3 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे. तो आपको ओ की जगह पे 3 लिख देना है, मींस वंस की प्लेस पे आपको 3 लिखना है एंड टेंस की प्लेस पे 1 लिखना है. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट 15. अब 15 दिया है तो वंस की प्लेस में कौन सा नंबर है, 5. तो आप यहां लिखेंगे 5 एंड हियर 1. टेंस की प्लेस पे 1 है ना, तो आपको फिर से 1 लिखना है. एंड यहां देखिए वंस की प्लेस पे नेक्स्ट में 12 है, तो 2 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, तो आप यहां लिखेंगे वंस प्लेस पे 2. एंड टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1. तो आप फिर लिख देंगे 1. और यह दिया है 10. अब वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 0. तो आप यहां लिखेंगे 0. एंड टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1. तो आप लिखेंगे 1. अब बताइए वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5. ओके, तो आप वंस प्लेस पे लिख देंगे 5. एंड टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4. तो आप यहां लिखेंगे 4. ओके, नाउ सी 76. अब टेल मी व्हिच नंबर इज इन वंस प्लेस, विच नंबर दिस, 6. तो आपको वंस प्लेस पे 6 लिख देना है. एंड टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, विच इज दिस नंबर, 7. तो आपको टेंस प्लेस पे 7 लिखना है. एंड नाउ लुक हियर 77. ओके, अब आपको इसमें क्या करना, आप सोचो कोई भी ये 1 से ले ले या 10 से ले ले, नंबर तो सेम ही 7 लिखना है. ओके, बट आप हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 7. तो आप 1 प्लेस पे लिख देंगे 7. ओके, ठीक है. एंड 10 प्लेस पे भी 7 है, तो आप यहां भी लिखेंगे 7. नेक्स्ट आप देखिए 60 में 0 को आपको कहां लिखना है, 1 प्लेस पे. एंड 6 को आपको कहां लिखना है, 10 प्लेस पे. आप 6 लिख देंगे यहां पे. फिर यहां आइए 95. अब 95 में 5 को आपको कौन से प्लेस पे लिखना है, वंस प्लेस पे, तो आप यहाँ लिखेंगे वंस प्लेस पे 5. एंड टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 9. तो आपको 9 को टेंस प्लेस पे लिखना है. एंड 35 में आपको 5 कहाँ लिखना है, वंस प्लेस पे. एंड टेंस प्लेस पे क्या लिखना है, 3. तो आप यहाँ लिखेंगे 3. एंड 66 सेम 77 की तरह आ गया ना 66. अब आपको 6 को वंस प्लेस पे लिखना है एंड सेकंड वाले 6 को टेंस प्लेस में लिखना है, सॉरी. ओके,
ओके आपको समझ में आ गया कि आपको नंबर्स को प्लेस पे कैसे लिखना है। वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, टेंस प्लेस पे कौन सा आएगा। आपको बताया हुआ है कि जब टू डिजिट हो तो वंस प्लेस आपका यहां से शुरू हो जाएगा राइट साइड से, देन आपका टेंस प्लेस हो जाएगा। अगर इसके आगे भी कोई नंबर है लाइक 567 यहाँ लिखा है तो ये वंस प्लेस हो गया और ये टेंस प्लेस हो गया और ये 100 का प्लेस हो गया। और भी नंबर आता है तो उसमें बढ़ता चला जाएगा ना, वो आपको मैं आगे सिखाऊंगी। ओके बेटा, सो आप लोगों को इसको नोटबुक में करना है, मैं वर्कशीट में दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।